युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें इसकी रोकथाम के लिए प्रयास भी कर रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की बात की जाए तो यहां पर जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जिले में संक्रमित लोगों का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से संक्रमित क्षेत्रों में तत्परतापूर्वक कदम उठाने से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया और बहुत जल्दी ही चित्तौड़गढ़ ने कोरोना पर जीत पाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए, जिसमें आज तक जिले में 168 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें समय पर क्वारंटाइन करते हुए उपचार मुहैया कराया गया था और आज उसी का परिणाम है कि 168 में से 51 पूरी तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें आज जिला मुख्यालय पर स्थित एक निजी रिसोर्ट में बनाए गए कोविड-19 केयर सेंटर से उनके घर क्षेत्र निम्बाहेड़ा के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने सभी ठीक हुए लोगों को गुलाब देकर उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए घरों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, CMHO इंद्रजीत सिंह, राजकीय चिकित्सालय में PMO दिनेश वैष्णव, चिकित्सक देवेश शर्मा सहित चिकित्सा विभाग के कई चिकित्सक व नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। जो भाई बहन अलग अलग तारीखों में पॉजिटिव होकर जयपुर और मैं कब वापस सूख दिन आएगा जिसलिए मैं उनको वापस निभा हुआ और वो दिन आज आ गया, इसलिए मैं तो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। आप सब जो बैठे हैं उनमें रवि मेरे सबसे ज़्यादा नजदीक रहा है, जो कि पिछले 10-15 साल से प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था सब काम आने वाले हम स्वस्थ होकर चर्चे दल पर बोल रहे हैं। आपको काफ़ी अनुभव इस बीमारी से लड़ने का हो गया है, इसलिए इन सावधानियों को घर पर जाने के बावजूद भी आप पूर्ण रूप से पालन भी करेंगे, अपने पड़ोसियों को भी सिखाएंगे, अपने मिलने वालों को भी ये भी बहुत बड़ा संदेश देंगे, लेकिन जिस 20 दिन तक आप परेशानी में रहे हैं उसी को आगे 20-22 दिन तक इसी प्रकार से मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस बीमारी का भरोसा नहीं है, अनिश्चितता की बीमारी है, इसलिए किसी भी दिन परेशान कर सकती है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज मेरे बड़ी मन की इच्छा थी मुझे नहीं हो। गौरतलब है कि जिले में सबसे पहले कोरोना की शुरुआत निम्बाहेड़ा उपखंड से ही हुई थी और ज्यादा केस भी निम्बाहेड़ा से ही निकल कर आए हैं। जिले भर से कुल 168 कोरोना पॉजिटिव केस निकल कर आए हैं, जिसमें से 51 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।